हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी फ़िलहाल मैं वर्सोवा मेट्रो स्टेशन पर हूँ और यहाँ कुछ काम से आया था मैं। और पर यहाँ आया तो थोड़ा कुछ याद आया कि जब यहाँ आ ही गए हैं तो कहीं चलते हैं फिर। तो ये है वर्सोवा बीच और आपको यहाँ आना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अंधेरी उतरना है आपको। अंधेरी स्टेशन से मेट्रो कर सकते हो आप और मेट्रो सीधा आपको लास्ट स्टॉप है वर्सोवा। वर्सोवा मेट्रो स्टेशन पर आप जैसे ही उतरोगे तो द डिस्टेंस बिटवीन वर्सोवा बीच एंड वर्सोवा मेट्रो स्टेशन इज़ ओनली अबाउट 500 मीटर। तो आप बाई वॉक भी आ सकते हो और मैं भी यहाँ पे चल के ही आया हूँ। 500 मीटर ज़्यादा दूर है नहीं क्योंकि यहाँ से आपको ऑटो वाटो वहाँ पे मिलती नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे आप आकर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। ये बीच भी जस्ट लाइक जुहू बीच के जैसा ही है, मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ। तो 100 रुपये में आप राइड भी कर सकते हो हॉर्स राइडिंग इस बीच पे, ओनली जस्ट फॉर 100 रुपीज। ये व्यू देखो आप इसका, काफ़ी अच्छा। और पर यहाँ पे अभी बहुत धूप है, इस टाइम पे सूरज एकदम सर पर है। और वो है फैसल, फैसल ने जूता उतार दिया है दूर कहीं और वहाँ से ये चलाया है। वेव काफ़ी ऊपर है, वेव देखो आप। ये बीच जुहू के जैसा एकदम लोगों से भरा नहीं रहता है, ये काफ़ी खाली बीच है। पर ये काफ़ी बड़ी बीच है, आप देख सकते हो वहाँ से लेकर इतना दूर। मतलब ये जो आगे आप देख रहे हो ये रास्ता, अगर आप ऐसे ही पैदल चलते जाओगे यहाँ से पानी के किनारे तो फिर आप सीधा जुहू बीच पहुँच जाओगे। सो गाइज, अभी मैं वर्सोवा बीच पर था और वर्सोवा बीच से मैंने 56 नंबर की बस पकड़ी जो कि मुझे जुहू बस स्टॉप उतारने वाली थी। पर फिलहाल मैं ये सिग्नल पर उतर गया और ये सिग्नल का नाम आप देख लो इस चौक का, ये इसका नाम है गुरु नानक रोड संगीत महाभारती चौक। यहाँ पर आप उतरने के बाद ये रोड आपको जो दिख रही है, ये रोड में आप सीधा अंदर जाओगे थोड़ी दूर और थोड़ी दूर अंदर जाने में आप राइट लोगे और राइट जाने के बाद आपको क्या दिखेगा वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो चलिए। तो गाइज, ये सिद्धिविनायक देखकर तो आप पहचान गए होंगे कि ये किसकी बिल्डिंग है। जी हाँ, ये है कार्तिक आर्यन की बिल्डिंग, इसी में ही कार्तिक आर्यन रहते हैं। और ये एक्चुअली मैं जुहू बीच आया था, जुहू बीच के नज़दीक, तो सोचा कि सिद्धिविनायक आपको दिखा दूँ। यही घर है, इसी बिल्डिंग में ही पूरी एक फ्लैट है, मीन्स पूरी एक फ्लोर है जो कार्तिक आर्यन पूरे एक फ्लोर में रहते हैं। और यही वो गेट है, आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, जो कि फैंस आती है, फीमेल फैंस तो यहाँ से ही आवाज़ देती है कार्तिक आर्यन को और वो ज़रूर नीचे आते हैं। आप भी कभी आकर ट्राई कर लेना। और यहाँ आने का मैं और भी इजी आपको रास्ता बता देता हूँ। आपको, आप कहीं भी हो, आपको करना ये है कि आप विलेपाले स्टेशन उतर जाना। अब विलेपाले स्टेशन से सीधा जुहू बीच के लिए ऑटो कर लेना और वो ऑटो आपको इस रोड पर लाकर छोड़ देगी। मैं यहाँ पे जस्ट काम से आया था तो सोचा मैं दिखा दूँ, क्योंकि अगर कोई फैंस आना चाहते हैं, कोई ऑडियंस आना चाहती है तो मैंने कोशिश की है कि बहुत इजी वे में आपको रास्ता बताकर समझा सकूं।
कि यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे बेस्ट और इजी वे क्या होगी। तो ये जो बंगला आप देख रहे हो ये जितेंद्र जी का बंगला है, जिसमें तुषार कपूर और एकता कपूर भी रहती है साथ में ही इसमें ही, और इस बंगले का नाम है कृष्णा। और ये ठीक बगल में ही है कार्तिक आर्यन के बिल्डिंग के, जो सिद्धि विनायक अभी मैंने दिखाया उनके जस्ट बगल में ही ये कृष्णा बिल्डिंग भी यहीं पे ही है इसी रोड में ही। और आगे इसी रोड में अनिल कपूर जी का घर और सोनाक्षी सिन्हा का घर, सब आजू बाजू ही है। तो मेरी वीडियो में आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, इजी वे समझ आ गया होगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।